हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वे टू कार्स। सो वही कुछ दिक्कतें हैं यार आज, जो वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है आज। अब फिर से हम अपनी इस अल्ट्रॉस को लेके जाने वाले हैं सर्विस सेंटर। अब क्यों लेके जाने वाले हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो जी रीज़न ये है इसे सर्विस सेंटर ले जाने का, एक तो भाई इसका अलाइनमेंट ख़राब हो गया है, स्टेयरिंग थोड़ा सा टिल्ट हो रखा है लेफ्ट साइड पर, तो वो मुझे एक बार चेक कराना है। प्लस उसके बाद इसकी जो बैक सीट के जो लॉक्स थे, जो कि आपको याद होगा 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट यार, अब उनका मेरे पास फ़ोन आया बहुत ज़्यादा फॉलोअप करने के बाद कि अब वो ठीक हो गए हैं ये वाली सीट के लॉक्स। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे सर्विस सेंटर पे चेक करानी है। बाकी आपने देखा होगा कि मैंने लाइट्स भी गाड़ी की अपग्रेड कराई थी, अपने जो ये हैं लाइट्स वो भी अपग्रेड कराई थी। तो एक बार शोरूम में इनका भी अलाइनमेंट चेक करा लेंगे कि ये अलाइनमेंट इसका ठीक से हो रखा है या नहीं हो रखा है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो करवानी है जी, और देखते हैं कुछ और दिक्कतें अगर मुझे लगती हैं। बाकी हाँ, एक मेजर प्रॉब्लम जो मुझे फिर से आ रही है, फिर से आने लगी है, वो है सस्पेंशन में से आवाज़। तो भाई वो कर कर आने लगी है फिर से, मैं आपको कोशिश करता हूँ सुनाने की अभी। तो यार वो करकर वाली आवाज़ फिर से आने लगी है। तो चलो जी अब बैठते हैं गाड़ी में और निकलते हैं और कराते हैं अपना ये सारा काम, और दिखाते हैं आपको क्या उसमें कुछ एडिशनल खर्चा आता है या नहीं आता है। तो यार हम लोग गाड़ी का इंश्योरेंस भी कराने वाले हैं, तो गाड़ी को ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, 23 अक्टूबर को 1 साल हो जाएगा। तो अगर मैं आज की डेट की बात करूँ तो आज 30 सितंबर हो गई है। अब पता नहीं कब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे चक्कर लगेगा, तो शोरूम जा ही रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ इंश्योरेंस भी करा लेंगे। तो मैं आपको इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बताता हूँ 1 साल पे कितनी आती है। मैं 0 डेप उसमें इंक्लूड कराने वाला हूँ, और मेरे को नो क्लेम बोनस भी मिलेगा क्योंकि मैंने कोई क्लेम भी नहीं लिया था। तो चलो जी अब शोरूम पहुँचते हैं और दिखाते हैं आपको। आ गए हैं अपने प्यारे दुलारे टाटा की शोरूम पे फिर से एक बार। तो चलो जी पहुँचते हैं, पहले तो गाड़ी लेके वहां पे पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से निकलेंगे नहीं तो यार हमारी गाड़ी की सेफ्टी भी चेक हो सकती है, क्योंकि हल्का सा हमें यहाँ रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा। आज ये चीज अच्छी है कि सैटरडे यार, तो सैटरडे में वैसे भी ट्रैफिक कम रहता है नॉर्मली जो नॉर्मल डेज होते हैं उनसे। तो चलो जी पहुंचते हैं सर्विस सेंटर और आपको मिलवाते हैं तोमर जी से। भाई अब ये बैठ गए भैया और ये एक बार ट्राई लेंगे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया था इसका स्टेयरिंग भी टिल्ट है थोड़ा सा लेफ्ट साइड को, तो वो भी चेक होगा और उसके बाद समझ में आएगा। एक बार ये सस्पेंशन वाली आवाज़ भी फिर से चेक करेंगे। वो मुझे लग रहा है कि वो सस्पेंशन की आवाज़ नहीं है, कुछ और आवाज़ है ये कार में। अगर ये सस्पेंशन की होती नॉन स्टॉप आती, बट ये यूजुअली आती है सुबह के टाइम पे और उसके बाद आनी बंद हो जाती है, तो ये सस्पेंशन की आवाज़ नहीं है, वो गड्ढों में भी आनी चाहिए थी। तो एक बार देखते हैं जी, ट्राई पे चलते हैं इनके साथ और फिर समझ में आएगा क्या सीन है। तो भाई गाड़ी दे दी है हमने, तो वही दिक्कत है, एक तो इसमें जो जो भाई कैप होता है उसका जो वायर होता है ना वो बजता है, तो सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वायर बजने की प्रॉब्लम है जो मुझे समझ में आ रही है। अब भैया चेक करवाएंगे। बाकी उसके अलावा एक बार इसका अलाइनमेंट भी होगा, व्हील अलाइनमेंट होगा, और जो इसके हमारे हेडलैम्प्स हैं उसकी एक बार वो उसकी भी अलाइनमेंट होगी प्रॉपर। तो जी वो सब करके ये दे देंगे कार, फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से और चलो कार का इंश्योरेंस करा लेते हैं पहले। तो भाई कार अब अपनी अलाइनमेंट के लिए लग रही है, तो भैया सेट कर रहे हैं, ये इनकी अलाइनमेंट मशीन है टाटा की, तो यहाँ पे अलाइनमेंट करेंगे प्रॉपर। तो अब अलाइनमेंट शुरू होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी जो चीज़ें हैं ये करेंगे। अब देखते हैं यार कितना टाइम लगने वाला है, वेट करते हैं और पूछते हैं वैसे भैया से कितना टाइम लगेगा एग्जैक्टली। सो भाई ये है अपना इंश्योरेंस, तो रिन्यू हो गया है, तो प्रीमियम जो मैंने पे किया है वो किया है 12,420, और 0 डेप इंश्योरेंस है, 10% का हमारा वो लगा है डिप्रिसिएशन जो हर साल लगता ही है। प्लस इसमें मैंने एड ऑन में क्या लिया है, सिर्फ एक 0 डेप लिया है, तो आप देख सकते हो। तो कुल मिला के 12,500 मैंने प्रीमियम पे किया है इंश्योरेंस के लिए। बाकी इसके साथ इन्होंने मुझे एक कूपन भी दिया है फ्री, जो कि शोरूम की तरफ से ही है एडिशनल, जिसमें 2 वॉशिंग और 1 व्हील अलाइनमेंट दी हुई है
और ये कब तक वैलिड है? 11 मंथ्स के लिए वैलिड है। तो भाई कार का सारा काम कंप्लीट कर दिया है इन लोगों ने। मैं आपको दिखा देता हूँ, सीट के लॉक्स भी लग गए हैं, आप देखो। सो ये लॉक्स भी ठीक से लग गए हैं दोनों आगे के, लाइट्स का ऑल्टरेशन भी ठीक से हो गया है, और ये वाला वायर भी इन्होंने ठीक कर दिया है, तो वो साउंड वाली आवाज़ भी ख़त्म हो गई है। अगर मैं बिल की बात करूँ कि बिल कितने का आया, तो चलो गाड़ी में बैठते हैं अंदर और मैं आपको बताता हूँ। भाई भयंकर गर्मी है यार, भयंकर वाली, बहुत ही बुरा हाल है। सो बिल जो मेरा आया है यार, वो आया है, एक सेकंड यार, एसी भाई बहुत ज्यादा गर्मी है। सो बिल मेरा टोटल आया है 104 रुपए का, जो भी गाड़ी के लॉक्स थे उसका, सिर्फ 104 रुपए लगे हैं गाड़ी में, और बाकी इन्होंने जितनी भी मैंने चीजें बताई थी, दिक्कतें थी, वो सब सॉल्व कर दी हैं। बट आज टाइम बहुत ज्यादा लग गया यार, वो भी इनकी गलती नहीं है, आज बहुत ज्यादा रश था शोरूम पे, तो रश की वजह से ये सारी दिक्कत थी। अलाइनमेंट भी बिल्कुल ओके हो गया, और आप देखो स्टेयरिंग भी जो है वो बिल्कुल बीचों बीच अलाइंड है, जो पहले नहीं हुआ करता था। देखो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। सो स्टेयरिंग भी बिल्कुल बीचों बीच अलाइंड है, तो वो वाली प्रॉब्लम भी अब खत्म हो गई है। तो जी मेरा तो एज ऑलवेज सर्विस सेंटर से एक्सपीरियंस जो था वो अभी तक ठीक ही था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो यार मेरी तरफ से तो बिग थम्स अप है, और कोई मेजर प्रॉब्लम्स भी नहीं आ रही हैं ऐसी कार में। नॉर्मल, ये नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें हैं। इंश्योरेंस मैंने आपको बता ही दिया है, 12,490 रुपये का इंश्योरेंस हुआ है, जो कि ज़ीरो डेप है, और कोई भी उसमें दिक्कत आई नहीं है। इतने का मेरे हिसाब से 12,500 रुपये कुछ ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि टाटा लूट रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है, और ये कैशलेस इंश्योरेंस है पैन इंडिया किसी भी टाटा के शोरूम में। तो यार यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बहुत अमेजिंग कंटेंट यार आने वाला है आगे। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।